अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांग जो लंबे समय से 25-26 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। अभी हाल ही जैसे रेलवे के लिए 73,000 करोड़ का बजट इस वर्ष में स्वीकृत किया है और हाई फाई सुविधाएं, तेजस जैसी ट्रेन, बुलेट ट्रेन ये प्रारंभ की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी पीयूष गोयल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके इस बजट में इतना प्रावधान कर पूरे देश में रेल के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं आपने प्रदान की हैं। परंतु इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से रेलवे को अभी हाल ही रफ्तार बढ़ने की कोशिश की, इसके साथ 150 रेलगाड़ियों का प्रचलन पीपी मॉडल पर होगा जिससे अहमदाबाद ट्रेनों में गति लाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सब जब सुनता हूं तो मेरे क्षेत्र के लिए मैं लंबे समय से जो मांग उसके लिए जिस तरह से लोग हमको कहते हैं कि जीतने के बाद में जाएंगे और रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अहमदाबाद यह नई रेल इस गरीब क्षेत्र के लिए होगी। अध्यक्ष महोदय, आप इस क्षेत्र के बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और माननीय गोयल साहब जो हमारे निकट हमारा सीमा अहमदाबाद और डूंगरपुर क्षेत्र मिला हुआ है, अब इसका इतना इस तरह से लोगों की मन की भावना है कि इस बार तो निश्चित है कि यह नई ट्रेन निश्चित से प्रारंभ होगी। और अध्यक्ष महोदय, आप जैसे पधारे अभी 19 तारीख को, एक ही मांग थी वहां के लोगों की कि आप ये काम करवा सकते हैं और गोयल साहब को भी निवेदन किया है। और जब मेरा आपके साथ में फोटो देख करके रेल की बात की तो फिर जाता है तो मुझे पूछते हैं लोग कि इस बार तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। इस तरह की बात हर समय उनको पूछते हैं, जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब अभी आता हूं सागवाड़ा से अगर उदयपुर और उदयपुर से रतलाम अगर जाते तो हमारा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ता है, और मैं प्लेन से भी आते हैं तो भी हमको 150 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर 160 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि इतने लंबे से बड़े बड़े नेता रहे और रेल के मंत्री बने, और हमने आज मैं 1994 में भी इस विषय को उठा चुका राज्यसभा में, तो हमारे एक मंत्री जी ने कह दिया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हम ये रेल प्रारंभ करेंगे। ये आश्वासन के बाद में भी कई इतना गैप पड़ गया जिसके कारण से 26 वर्ष हो रहे हैं और हम इस बात को पूरा नहीं कर पाए। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गोयल साहब, हमारे रेल मंत्री जी और आपके माध्यम से इस काम को पूरा करने की हमारी पूरी और बड़ी इच्छा है। और लोग बाग ये एक ही मांग इस केंद्र सरकार से भी फिलहाल की जा रही है जिसके अंतर्गत हम इस काम को पूरा करेंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। जिस तरह से अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर वाला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिसके अंदर अभी तक हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी का अहमदाबाद, सूरत और महाराष्ट्र बंबई में लोग आना जाना करते हैं, बेरोजगारी है और जिसके कारण से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में न तो कोई बड़ी फैक्ट्री है, न मिल है, न और कोई स्थान है जिसके कारण से आना जाना उन स्थानों पर जाना पड़ता है। उसके कारण से गरीब लोग यानी कि होली दिवाली मनाने आते हैं तो भी और अपने मजदूरी के लिए जाते हैं तो भी बसों वाले भी ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर 1,000-2,000 इनका किराया ले लेते हैं और आने जाने में बहुत तकलीफ होती है जिसके कारण से लोग कहते हैं कि ट्रेन कब आ जाएगी। ये आशा लगाए हुए बैठे हैं इन बेरोजगारों के लिए भी। और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए हम जब भी यह मांग रखते हैं तो यही कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति वो भी यहाँ आना चाहते हैं और कुछ मिले और उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं। रॉ मेटेरियल लाने जाने की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ मार्बल निकलता है, मार्बल निर्यात भी किया जाता है, उसको भी यहाँ पर सुविधा मिल जाए तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति होगी और बेरोजगारी भी दूर होगी और आने जाने की सुविधा भी होगी। मैं निवेदन करना चाहता अध्यक्ष महोदय,
कि जिस तरह से नई रेल के लिए हम मांग कर रहे हैं, इसमें अभी जो स्थितियां बनी हैं उसके बारे में वर्णन करना चाहूंगा कि यह लाइन पूरी नहीं होने का कारण या राजनीतिकरण, और एक सरकार आती है घोषणा करती है, एक सरकार अभी फिलहाल, अभी मैंने बताया 2010 और 11 के अंदर रेल बजट में डूंगरपुर बांसर रतलाम रेल लाइन के लिए घोषणा हुई, और केंद्र सरकार में पहली बार यह बात हुई जिसके कारण से राज बनाने की दृष्टि से कांग्रेस के हमारे बड़े नेता जैसे राहुल जी और हमारे सोनिया गांधी जी वहां डूंगरपुर में आए और शिलान्यास कर दिया, और शिलान्यास के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि हम हमारा जो एमओयू हुआ था राजस्थान का और केंद्र सरकार के बीच के अंदर, तो हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए हम इसका पैसा जमा नहीं करा सकते। अब इस परिस्थिति में समय निकलता जा रहा है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपया इसमें दिया था उसमें अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिससे भूमि अधिग्रहण व अन्य कार्य 150 करोड़ रुपया खर्च हो चुका अध्यक्ष महोदय, और इसके बाद में भी 2011-12 में लगभग उसकी लागत 2082.74 करोड़ थी, अब 2016-17 में इसकी लागत 2450 करोड़ होगी, और 2018-19-20 में लागत 4282 करोड़ रुपए की होगी। 192 किलोमीटर रेल लाइन जिसमें 142 किलोमीटर राजस्थान में और 49 किलोमीटर मध्य प्रदेश रतलाम की है, ये कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इतना पैसा खर्च होने के बाद में भी इस चिर प्रतीक्षित यह जो रेल नई रेल लाइन के लिए इस आदिवासी बाहुल्य के लिए मैं मांग करता हूं, और इसके अलावा भी जो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि इस तरह से हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हमारा डूंगरपुर और अहमदाबाद का जो बीच का हिम्मतनगर में जो रेल गाड़ी का है उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अभी बहुत शीघ्र ही उसको चालू करने के लिए आश्वासन मिला है, तो हम वहां से डूंगरपुर से अहमदाबाद तो जा सकेंगे, और यहां से अगर उदयपुर भी जाना चाहे तो डूंगरपुर से अगर ये काम यानी झावरमांझ के सुरंग का काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, 2 वर्ष हो गए फिर भी अभी पूरा नहीं हो रहा है, अधिकारी वहां कह रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी वो पूरा नहीं हुआ है। ये दोनों भी अगर अभी प्रारंभ हो जाते हैं तो अभी आने जाने की कुछ सुविधा होगी, लेकिन रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर और अहमदाबाद की नई रेल लाइन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जल्दी से जल्दी इसको पूरा ही बजट, राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है माननीय मंत्री महोदय, कि अगर राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरा ही पूरा बजट उस गरीब आदिवासी क्षेत्र के लिए पूरा ही पूरा बजट आप स्वीकृत करके यह नई रेल के लिए प्रारंभ करें। एक और निवांग कि हमारा मातृगामड़ा पाल और ग्राम धाणी में अभी रेल लाइन हिम्मतनगर के प्रारंभ हो रही है, इसके फाटक 139 नंबर का गेट है वो बंद है, पहले चालू था अब वहां नहीं आना जा रहा है, जिसके कारण से स्मशान घाट खेती बाड़ी के लिए जाना आना पूरा बंद हो जाना से लोग बड़े परेशान है। अंडरग्राउंड बाईपास की मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको स्वीकृत किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। मैं इस समय ज्यादा अपने बात को नहीं कहता, परंतु इस क्षेत्र के लिए आपकी अति कृपा होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आपके माध्यम से, और माननीय मंत्री जी जैसा कहा है जैसा मैं फोटो दिखाऊंगा जाके कि आपने यहां पर हमको आश्वासन दिया था, तो आप निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान देंगे और रेल लाइन को प्रारंभ कराएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।